हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे KRBL लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डाटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर हाई गया था 384, लो गया था 370.55 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 0.04% एंड क्लोज हुआ है 373.20 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹8,784.75 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है आपका ₹8,483.77 करोड़, पीई रेशियो है 18.17। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹89.38 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.02। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹390.36 करोड़। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपनी के पास मोर देन सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 89.38 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹20.54, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.87% एंड ROCE है 15.50%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। ये जो कंपनी है KRBL, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 59.96%, पब्लिक का होल्डिंग है 30.4%, DII का होल्डिंग है 6.33% एंड FII का होल्डिंग है 3.31%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, जो आपका 59.96% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया हूं। इसका जो भी फिगर है पूरा करोड़ में है। तो पहले हम लोग नेट सेल्स देखेंगे। तो देखिए, जून 2022 के क्वार्टर में, मतलब आपका लास्ट क्वार्टर में, इस कंपनी में नेट सेल्स हुआ था 1,228.23 करोड़ का। ओके, तो ये जो नेट सेल्स है ये इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 2022 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 231.52 करोड़, ये भी इसका जो पिछला लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपका जून 2022 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है 164.49 करोड़, ये भी इसका जो पिछला लास्ट 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बोलेंगे तो इस शेयर का जून 2022 का जो Q1 का रिजल्ट निकला है वो आपका अच्छा निकला है। और एक चीज देखिए, इस कंपनी में मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर अनिल कुमार गोयल सर ने 348.88 करोड़ का होल्डिंग करके रखा हुआ है जून 2022 तक, जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से। ओके, और मार्केट के 100% एनालिस्ट इन्वेस्टर को ये शेयर आपका 22 सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 23,977.42% का। ओके, और ये जो कंपनी है KRBL, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए वेरी बुलिश है, एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे। तो देखिए, वीकली चार्ट में ये शेयर आपका बुलिश है, एक बार मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे एंड मंथली चार्ट पे ये शेयर आपका फिर से वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है 13 सितंबर 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। तब से देखिए ये शेयर आपका थोड़ा सा अपट्रेंड में है। पूरा चार्ट अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो क्लियरली आप लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा। ओके, एंड आपका डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज
एंड 200 डेज, तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर ही है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका 1 वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए इस जगह पे ये आपका है जुलाई 2022 का सेकेंड वीक, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिख रहा था जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ACR आपका ऊपर की तरफ भी भाग रहा है एंड लास्ट आपका वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिखा। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया जो कि इस शेयर का एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। कैसे स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, देखिए लास्ट टाइम जब भी ये शेयर ऊपर की तरफ भागा था इसी लाइन के नजदीक आया था, इसको तोड़ नहीं पाया था और नीचे गिरा था। मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। फिर से जब भी ऐसे दोबारा आपका कोशिश किया, देखिए ऊपर की तरफ भागा, इसी लाइन के नजदीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया, फिर से नीचे गिरा। अगर आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन सपोर्ट लाइन बनने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट आपका डेफिनेटली जरूरत होता है और यहाँ पे हम लोगों को 2 पॉइंट मिल चुका है। मतलब ये एक आपका सपोर्ट लाइन है। उसके बाद देखिए अभी इस टाइम जब भी बड़ा इस सपोर्ट लाइन को देखिए, अभी जो वीक खत्म हुआ इसके पिछले वाला वीक पे यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हुआ था इस कैंडल में देखिए इस सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया है और इस सपोर्ट लाइन के ऊपर अभी आपका सस्टेन भी कर चुका है जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ऐसे यार आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹373, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 3 महीने में इस शेयर आपका ₹415 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हुआ, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।